नमस्कार, इन बीसीएन न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? वैसे ये सवाल काफी फनी है क्योंकि आज का यूथ खाने के बिना रह सकता है लेकिन सोशल मीडिया के बिना नहीं। और जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो नागपुरी कड़क को नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यूट्यूब पर नागपुरी कड़क का दही वाली ये वीडियो काफी धमाल मचा रहा है और उनकी पूरी टीम इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो जानते हैं इनसे दही वाली के बारे में। तो साहिल, इस एल्बम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जानकारी म्हणजे आमचे जे अक्षय दादा आहे ते म्हणजे माझ्या घरापासूनच राहत होते, तर त्यांना मला बोलवलं की थोडा ये म्हणजे ऑफिसला। तर मी गेलो तिकडे, मग आमचे जे शुभम सर आहे डायरेक्टर ते भेटलेले होते। त्यांनी म्हटलं का एक सॉन्ग मध्ये काम करशील का, कारण की हा माझ्यासाठी पहिला एक्सपिरियन्स होता, मावल्यासाठी पहिला एक्सपिरियन्स होता हा। तर भेटलो डायरेक्टर सरला, तर ते म्हणजे मी तुला गाणं ऐकवतो म्हणजे दहीवाली आहे। म्हणजे मला दहीवाली कसं आता युट्यूब मध्ये कधी मी पाहिलं नव्हतं, मग दहीवाली नाव ऐकून थोडस अजून चांगलं वाटलं मला। तर मग सरनं स्टुडिओमध्ये नेलं गाणं ऐकवला, मी म्हटलं पहिल्याच याच्यात जेव्हा गाणं ऐकलं मी देन हो म्हणून टाकलं। ये दहीवाली क्यों, सब्जीवाली या कुछ और क्यों नहीं? दहीवाली सब्जीवाली भी, सब्जीवाली भी, भंगारवाली भी, दूधवाली भी, सगळेच येईल। पण पहिले कसं जसं ते नाव जसं आपल्या कानावर आलं दहीवाली, म्हणजे ते थोडं युनिक वाटत होतं मला, तर म्हणून ते नाव पहिले दहीवाली लागण ते येईल सगळं। अभी तक आपके सॉन्ग को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? रिस्पॉन्स तर खूप तगडा आलेला आहे। ज्या हिसाबानं आपलं चॅनल आहे, आपल्या चॅनलवर आता 28,000 सबस्क्रायबर झालेले आहे आणि लगभग 2 दिवसात आपल्या याच्यात आता 50,000 व्ह्यू कम्प्लीट झालेलं आहे गाण्यावर, दहीवालीवर। आणि टीजरवर पण 22,000 व्ह्यू कम्प्लीट झालेलं आहे। आणि म्हणजे जे माझे इंस्टाग्रामचे फॅन फॉलोइंग आहे खूप म्हणजे हे देत आहे, रिस्पॉन्स चांगला देत आहे। आगे कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग काम करना चाहते हो या आपका कोई प्रोजेक्ट नया आ रहा हो? येईल ना, जसं आता याच्यावर जर आमच्या पब्लिकनं प्रेम दिलं तर माणूस कसं अजून मोटिवेट होईल, अजून आनंद। जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, दूधवाली, दहीवाली, भंगारवाली, केसर फुगेवाली, पूरी सिरीज चलने वाली है मतलब। पूरी सिरीज। ओके, रोशनी, आपका कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप अगर काम करने चाह रहे हो? मतलब मुझे ऐसे लगा नहीं था कि मेरी यहाँ कास्टिंग होगी करके। एक बार साहिल ने मुझे कहीं देख लिया था, एक शूटिंग में हम लोग मिले थे और उसी टाइम में रिक्वायरमेंट आ गई थी कि दही वाली सॉन्ग बनाना है। और उसने शुभम सर, मतलब हमारे डायरेक्टर सर, उनको मेरा नाम सजेस्ट किया था। देन उसके बाद मैंने ऑडिशन दी ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन उनके हाउस में जाके। फिर वैसे तो मेरे लाइफ का सबसे पहला सॉन्ग, नहीं पहला नहीं बोल सकते पर एटम सॉन्ग तो ये है ही, तो एटम सॉन्ग मेरा पहला ही है। और बस फिर मेरी कास्टिंग हो गई, कोरियोग्राफर सर को मेरा डांस अच्छा नहीं, अच्छा भी नहीं पर ओके लगा। उस टाइम पे मैं बहुत बीमार भी थी। बस उज्ज्वल, आपके बारे में हम जानने चाहते हैं कि आपकी भी इसमें कास्टिंग है और आपने भी अच्छा रोल किया है, तो आपकी यहाँ कास्टिंग कैसी हुई? पहले सांगायचं झालं की साहिल हा माझा खूप जीवलग मित्र आहे, तर मी एक छोट्या गावातून येत होतो, तर मी एक छोट्या गावातून येत होतो, तर मी तर फक्त अपॉर्च्युनिटी पाहत होतो की मी इथून बाहेर कसा निघेल। तर मग साहिल माझ्या घरी आला, बाकी टीम पण, डिरेक्टर सर, शुभम सर, आपले DOP प्रितिक सर, सगळेजण आपल्या घरी आले आणि त्यांनी म्हटलं की एक गाणं आहे म्हणे आपल्याकडे, म्हणजे आपण करायचं गाणं आहे। तर साहिलनं म्हटलं होतं का भाई करायचंच आहे, तर करायचंच आहे। भाऊनं म्हटलं म्हणजे करायचं, म्हणून मग तिथून आमची कास्टिंग सुरू झाली। आणि तिथून मग काही, तेव्हा मी जॉब पण करत होतो, तर मग हा म्हणे की आपण करायचं आहे, मग मी त्याच्यासाठी जॉब पण सोडून दिला होता की आता गाणं करायचं आहे म्हटलं, कारण का माझं ऍक्टिंगमध्ये खूप जास्त इंटरेस्ट होता की मला तिथूनच काहीतरी करायचं होतं। एक रील्सच्या माध्यमातूनच मी पुढे जाणार होतो हे मला माहिती होतं। त्या गोष्टीवर मला खूप लोकांचा अपोज होता की भाई रील्स बनवून काय भेटणार आहे, काय भेटणार आहे। पण आता दहीवाली सॉन्ग इतकं चालत आहे असं वाटत आहे की भाई ठीक आहे, आपण काहीतरी कमावलं। तो इसमें आपका पहली बार दोनों का साथ में काम हुआ है या इसके पहले भी आपने कभी काम किया है? यही प्रोडक्शन के साथ में मैंने इसके पहले भी काम किया है, जो कि एक गणरायकर के सॉन्ग था। और ये दोनों भी एक साथ ही शूट हुए थे, तो गणराय का पहले शूट हो गया और ये अभी आ गया। ये हमारा साथ का, मतलब साथ में दूसरा सॉन्ग है हमारा। साइंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के बारे में आपने कब सोचा? आप इतने फेमस हो, सबको पता है कि साहिल कड़क कौन है, तो आपने कब सोचा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है? मुझे ऐसा कोई विचार नव्हता पुढे वाढायचा, तेच मी म्हणजे पहिले सोशल मीडियाचा, पहिले 12वीच्या सुट्ट्या नाही लागत का उन्हाळ्याच्या, तर तेव्हा मी कंपनीत जात होतो,
पन्नी कंपनी मध्ये, तर मी असाच बसलो होतो. म्हणलं यार काहीतरी करावं काहीतरी करावं, तर असेच मी व्हिडिओ बघत होतो. तेव्हा माझ्यापाशी फोन होता छोटासा, जिओचा नाही काय छोटासा, तो चालवत होतो. तर रोस्टिंग आतापर्यंत इंस्टाग्रामवर कोणी केलं नव्हतं, तर मी मग ते बनवत गेलो. तरी पण मला 1.5 वर्ष लागला. त्याचा बाद माझ्या एक व्हिडिओ चाललेला, जसं 10,000 व्ह्यू गेले होते, मग त्याच्यापासून ग्रोथ झाली. आता मला 1.5 वर्ष होत आहे इंस्टाग्रामवर. कॉन्ग्रॅच्युलेशन. धन्यवाद. इंस्टाग्राम से हटके आप आगे करियर में क्या करना चाहते हो, या इसे ही आगे करियर बनाना पसंद करोगे? सर करियर तो मुझे इंस्टाग्राम वरूनच बनवायचं आहे ना, थोडा थोडा बनून पण राहिला. मी एक मूवी केली आहे, 2-3 सॉन्ग केले आहे, एक नेटफ्लिक्स साठी पण एक वेब सिरीज आहे, ती थोडीशी अटकली आहे एडिटिंग साठी, ते पण येणार आहे. म्हणजे याच्यावरच मला करिअर बनवायचं आहे, युट्यूब आणि इंस्टा. Okay. रोशनी, आपने अभी बताया कि आपने आइटम सॉन्ग के लिए काम किया है, तो ये सॉन्ग में, जैसे दही वाली सॉन्ग में, आपने क्या क्या मेहनत की है? कुछ नहीं, मुझे इसमें एक्सप्रेशन बहुत ब्रॉड देने के लिए बोले थे डायरेक्टर सर ने. मतलब थोड़ा फनी टाइप का सॉन्ग है, थोड़ा सा नटखट वाले, तो बस उसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत की. और बहुत सालों के बाद मुझे ऐसे डांस करने का, वो भी ऑन कैमरा, तो बस थोड़ा डांस में मैंने मेहनत की, बाकी तो सब बहुत अच्छा हुआ. उस वक्त शूटिंग के वक्त का कोई फनी किस्सा जिसे आप दर्शकों के सामने बताना चाहते हो? अशी सांगायची झाली तर खूप आहे की एक यांचा रोमॅन्टिक सीन होता, तर हे जसे दोघं जण बसले, थोडा शूट झाला होता, मोस्ट ऑफ थोडा राहिला होता, हे दोघं जसे बसले होते तो बास तुटून गेली होती. तो खूप मुवमेंट होता एक. आणि नंतर मग म्हशीचा याला किस करायचा होता, तर हा जवळ जात होता, पण म्हणजे जे कॅमेरामॅन होते ते म्हणते की तो अजून जवळ जा, पण तो जाऊ शकत नव्हता, तो भीत होता खूप जास्त. आणि मग तो सीन पण करून टाकला जो प्रॉपर पाहिजे होता आमच्या डिरेक्टरला, तो प्रॉपर झाला नाही आहे. नंतर त्याच्यामध्ये एक माझा डायलॉग होता की बे सांडवलं म्हणून, तर माझा एक रील होता जो खूप जास्त व्हायरल झाला होता, तर तिथूनच मग डिरेक्टर सरांनी म्हटलं की आता मडकं फुटणार आहे आणि तुला तो डायलॉग बनायचा आहे, तर तो एक बेस्ट मुवमेंट होता. आणि एक अजून सांगायचं झालं की जेव्हा स्टार्टिंगला गाण्याचं शूट चालू झाला होता, तर मी असं पावडर लावून होतो तोंडाला, आणि खूप वेळ, जवळपास मी 1.5-2 तास ते पावडर लावून तास फिरत होतो बनीनवर. गावातले लोक पाहून राहिले माझ्याकडे, तर मला ते अनकम्फर्टेबल वाटत होतं. आणि राग होता रोशनीचा, ती यार टेकच देत नव्हती, इतकं म्हणजे इतक्या वेळा घेतलं तिनं ते टेक रिटेक 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 रिटेक, तिच्यासाठी अनकम्फर्टेबल वाटत होतं. आयटम सॉन्ग होतं तिथं, तर त्यामुळे ठीक आहे बस इतकं. पण रोशनी की वजह से आपको एक फनी किस्सा मिल गया. हाँ वही वही. लेकिन अभी जो बॉन्डिंग है हमारा वो बहुत बहुत अच्छा है. अच्छा, तो पहले कुछ क्रॉस हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा किस्सा तो कभी कुछ नहीं, सब नए, मतलब ये नहीं थी मेरे लिए, बाकी सब नए लोग थे, सिर्फ साहिल कड़क को छोड़ के बाकी सब नए थे. अभी तो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि भाई पता नहीं सकते. साहिल, वो खटिया के बारे में कुछ बता रहे उज्जवल, तो क्या ही किस्सा था वो फनी किस्सा, हमको भी सुनना है अभी अच्छे से बिल्कुल. रात्रीचा शूट होता, 12 वाजता, रात्रीचा 12 वाजता शूट होता, तो लग्नाचा शूट होता, तर दिसन तो व्हिडिओ मध्ये, तर दरअसल तरी पण 10-15 टेक झाले होते त्याचे, 10-15 वेळा ते तवच कुछ कुछ करत होती, जसा बसो कुछ, जसा बसो कुछ, जसा बसो कुछ. म्हणलं नाही आता भरोसा नाही, मग बसलो आम्ही दोघं. आता समजू ते येते म्हणा, माझं वजन जास्त आहे म्हणूनच तुटली असं विचार होत नाही. तर जशी ते तुटली, मायबीन ते अशी झाली ते, मग जो आखरी टेक घेतला बरोबर अर्धर बसलो मी. मी सांगतो 2-1 घंटे माझी कंबर लागली होती, पुरा अर्धर बसलो होतो. झाला तो शूट मस्त झाला तो, पाहिजे जेवण दहीवाली त्याच्यात. बिलकुल, हम सभी देखेंगे और सभी से बिलकुल बोलेंगे की आपका ये व्हिडिओ हमेशा सब लोग देखते रहे और सब लोग इनके फॉलोअर्स बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे. ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन के साथ आपने काम किया है, ये नया वीडियो आपका आया है, तो आपका इसमें अनुभव कैसा था? अनुभव तो खूब चांगला होता. मुझे पहले तो जेव्हा गेलो होतो आम्ही मीटिंग मध्ये, मग त्यांना आम्हाला सँडविच चारलं, ये अच्छा अनुभव था. सरले मी धन्यवाद म्हणेन, तुम्ही ना आम्हाला सँडविच चारलं. मग पहिले कसं ते आमचे प्रोड्युसर होते, तर पहिले थोडस भेवगी लागे, आता तर फ्रेंडली आहे म्हणा एकदम पुरे मित्रांनी. तर एक्सपिरियन्स चांगला होता माझा, जसं पहिला सॉन्ग होता आणि ते पण ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन तरफ झालं, तर खूप चांगलं वाटलं मला. पुरं फ्रेंडली आहे, काही इश्यू नाही, का लागते का खा चुपचाप, काही इश्यू नाही, मस्त मस्त बिंदास माणूस आहे सर. रोशनी, आपका कैसा अनुभव होता? मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन
सतीश मोहोड़ सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, और साथ ही डीओपी सर, अक्षय सर, और डायरेक्टर सर शुभम सर, और मेरे कोरियोग्राफर सर ऋतिक सर, टीम के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेन बात ये है कि नागपुर में ना ऐसे इतने अच्छे क्वालिटी वाले और इतने अच्छे कुछ चीज़ें बनाने वाले लोग बहुत कम है, जहाँ तक मैं अभी 8-9 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे उनका काम भी बहुत अच्छा लगा। उज्ज्वल सर, आप बताना चाहेंगे? जेव्हा आम्ही मीटिंग सोबतच गेलो होतो आम्ही पूर्ण प्रोडक्शन, आपलं ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन मध्ये, तर त्यावेळेस वाटत होतं की भाई इतका मोठा व्यक्ती आहे काय, कसं बोलायचं काय, अनकम्फर्टेबल वाटत होतं, पण आता बघितलं तर भाई खूप मस्त, एकदम फ्रेंडली होऊन गेलो आम्ही, तितकंच बढिया सर। आणि टीम बद्दल सांगत राहिलं तर अक्षय सर भाई, म्हणजे अगोदर असं इतकं काही हे बॉन्ड नव्हतं, पण आता जो बॉन्ड बनला आहे एक मित्रापेक्षा चांगला बनून गेला आहे, असं वाटतं की भाई आपण त्या गाण्यातून हे लोक कमावले जे यांना कधी म्हणजे आपण कधी भेटू शकलो नसतो, पण ह्या गाण्यातून आपल्या आमच्याजवळ ते लोक जुळले, हे आमच्या खूप मोठं अचीवमेंट आहे। शुभम सर जे म्हणजे असं कधी वाटलंच नाही की जे प्रोड्युसर आपलं सॉरी काय डिरेक्टर आहे म्हणून, कधी वाटलंच नाही शुभम सर की डिरेक्टर आहे म्हणून, एकदम बढिया, खूप मस्त त्यांनी आम्हाला ट्रीट केलं, कधी कोणत्या गोष्टीची कमी होऊ न दिली। आणि कोरिओग्राफर ऋतिक सर, तर त्यांच्यासोबत माझा काही म्हणजे डान्स तर होतच नाही गाण्यामध्ये, ते पण त्यांच्यासोबत बॉन्ड खूप चांगला आहे आमचा, माझा आणि त्यांचा बॉन्ड खूप चांगला आहे, कारण की थेट माणूस आहे जे मला 2-3 घंट्यात त्यांना डान्स शिकवला, खूप धन्यवाद बाबा, नाही मी कधी नाचो नाही ना एवढे स्टेप, लोक आताही म्हणते मले बापू म्हणते एवढा कसा का नाचला रे म्हणते, आपने इस गाने के साथ ये भी सीख लिया? हाँ, स्टेप तर एकदम भयानक होत्या म्हणा, बट त्यांच्या ज्याच्यानं शिकलो जे शिकलो, आणि मेन जे आमचे डायरेक्टर आहे ते पण होते सोबत, तर म्हणजे मी इथे मशीच्या ह्याच्यात नाही का खूप टेक घेतले होते, खूप खतरनाक 2-3 मिनिटे चालले गेले होते, आखरी माझा जो अक्षय सर आहे डीओपी तो भडकला, पण डायरेक्टर सर काहीच नाही भडकला, तुला साहिल होत राहते हे चांगली गोष्ट वाटली का नाही, घेतली मी ना मग अजून टेक आधी, आमचे अक्षय सर आहे डीओपी सर म्हणजे माझ्या घराच्या बाजूलीच राहते, तर एकदम फ्रेंडली आहे, काल पिझ्झा खाले बोलवलं होतं पण ते त्यांना बोलवलं नाही आम्हाला, म्हणजे 4 वाजता येजो 5 वाजेपर्यंत वाट पाहिली, पण तरी नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में चले जाएंगे, पण आम्हाला मला कधीच नाही बोलवत, काही बोलवण पिझ्झा शॉर्मा खायला, शॉर्मा पिझ्झा शॉर्मा खायला। मैं प्रोड्यूसर सतीश मोहर सर से बात करना चाहती हूँ और उनको पूछना चाहती हूँ कि आपका ये ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन खोलने के लिए उद्देश्य क्या था? जब मैंने होश संभाला तब जब भी मैंने देखा कि एक वक्त यहाँ के जो विदर्भ के जो कलाकार हैं जिनमें कोई कला है जो कुछ करना चाहते हैं उनको मुंबई जाना पड़ता था, यानी नागपुर से बाहर जाना है, नागपुर में तो कुछ भी नहीं था कि उनकी जो कला है उसको कोई सहारे, तो मैंने उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि भाई ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे जो भी कलाकार है उनको वहाँ जाकर भी धोखा मिलता है, यहाँ से लोग बताते मुंबई आइए हम आपको कलाकार बनाएंगे आपको बड़ा बनाएंगे, कोई सोचता था अमिताभ बच्चन बनूंगा, कोई सोचता धर्मेंद्र बनूंगा, कोई सोचता श्रीदेवी बनूंगी, तो वहाँ जाकर के उनका स्ट्रगल इतना रहता था कि उनको हाथ में कुछ भी नहीं आता था, ज़्यादातर लोग उनसे काम करवा लेते थे कुछ भी और फिर रास्ते में छोड़ देते थे बेचारे, वो या तो वापस आते थे या तो खुदकुशी करते थे, पेपर में ऐसी बहुत सारी न्यूज आती थी कि कोई कलाकार बनने गया मुंबई गए उनको वहां पे ले जाके किसी ने छोड़ दिया बीच में या फिर उनकी कला की कदर नहीं की सिर्फ उनको निचोड़ के छोड़ दिया, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि कभी अपने यहाँ नागपुर जैसी जगह पे कोई ऐसा एक प्रोडक्शन हो जो विदर्भ के कलाकारों के लिए कुछ करे, क्योंकि विदर्भ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ, तो जैसे एक वक्त आया जब मैं एक स्टेज पे पहुंचा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ के कलाकारों के लिए यहाँ की कला को ऊपर लाने के लिए विदर्भ को ऊपर लाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो होते होते धीरे धीरे मैंने ये प्रोडक्शन हाउस खोला और मैंने सिर्फ एक ही एम रखा कि हाँ विदर्भ के कलाकारों को ही काम दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ कलाएं ऐसी होती है कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह नहीं आती, तो प्रोडक्शन को ऊपर उठाने के लिए कभी कभी बाहर की कुछ कलाकार या बाहर के कुछ लोगों का सहारा ले लेना पड़ता है। सतीश सर, दही वाली एल्बम में विदर्भ के कलाकारों के साथ काम करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था कि ये विदर्भ बोले तो एक इसकी जो टोनिंग है उसको वराड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसा कि अमरावती साइड इधर रही हमारा वराड़ बोला जाता है, वराड़ की भाषा इसको लोग बहुत सहारते हैं पसंद करते हैं, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड बात करे तो समझ में नहीं आता उसका अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर ये वराड़ी भाषा में बात करे जैसे कि साहिल कड़क
जो है गाँव गाँव में इसलिए पूर्ति की कि वो वराड़ी लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़े। तो विदर्भ के कलाकारों को लेकर ये करना चाहिए ताकि विदर्भ के लोगों लोग जो है वो उनको उनके इस गाने को पसंद करेंगे। ये मुझे लगा क्योंकि साहिल कड़क की जो पकड़ है वो विदर्भ के गाँव गाँव में है, स्कूल कॉलेज के बच्चे उनके बिल्कुल फैन है। यानी अमिताभ बच्चन जैसे किसी जगह एंट्री करते थे कैसे सारे लोग उनके पीछे भागते हैं, वैसे ही गाँव गाँव के लोग साहिल कड़क के पीछे भागते हैं। मैंने चलो भी साहिल कड़क हमारे इसमें आएगा तो प्रोडक्शन का थोड़ा सा जो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। साथ ही रोशनी जो है वो भी पुरानी कलाकार है, 8-9 साल से इसमें है फिल्म लाइन में, तो उसका भी एक्ट अच्छा है, उसका भी लुक अच्छा है। तो चलो इन सबको लेकर के फिर शुभम सूर्यवंशी जो है उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं किए हैं। और हमारे कोरियोग्राफर ऋतिक लोखंडे, इनका तो पूछे ही मत, इनको इन्होंने एक बार किसी को डांस सिखा दिया तो जिसको जो आता ही है कुछ भी वो 2-4 घंटे में कुछ तो सीख जाता है। तो ये जैसे साहिल कड़क को 2-3 घंटे उन्होंने पूरा डांस सिखा दिया और रोशनी को भी सिखा दिया। और हमारे DOP है मिस्टर अक्षय पारदी, हमारे DOP अक्षय पारदी उनका भी बहुत इसमें मजबूत हाथ है कि वो काफ़ी अच्छा ये कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। यानी उनमें वो कला है कि वो कितने भी कैसा भी काम हो बहुत अच्छे से निभा लेते। तो इनके साथ काम करके मज़ा आया क्योंकि मज़ा है इन लोगों ने मेरे प्रोड्यूसर ने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी जो लैंग्वेज जो साहिल कड़क और इनका जो काम है बहुत अच्छा रहा। सर फ्यूचर में आप और किसी म्यूजिक एल्बम या किसी वेब सीरीज पर काम करने के बारे में सोच रहे हो? मतलब कुछ तो नया प्रोजेक्ट होगा आपका इसके बाद में? वैसे मेरे पहले कुछ प्रोजेक्ट बने हैं जैसे कि माधव बापा तू, एक गणपति के ऊपर गाना बना है, उसका परेशान नाम से एक गाना बना है जिसमें इन्हीं का साथ है, बापा तू में भी यही सब टीम थी। और अभी आगे में जो मेरा एक प्रोजेक्ट है वो है साइको, बन के रेडी है, वो रिलीज करेंगे हम। उसके बाद विकास करी के नाम से और एक हमने गडकरी जी के काम के बारे में उनके काम को लेकर के एक 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है, वो भी रिलीज करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आगे आगे बढ़े, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोग अगर साथ देंगे, पब्लिक साथ देगी, विदर्भ के लोग साथ देंगे, वो हमारे चैनल को जब लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए इन लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह एक पॉलिटिशियन को वोटर्स की ज़रूरत होती है, जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ऊपर पड़ता है, वैसे ही हमको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने वाले लोग मिलेंगे, हमारे चैनल को ऑरेंज सिटी को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और जैसे ऊपर बढ़ेगा उतने ही बड़े पैमाने पे हम काम करेंगे। सर आपने अभी विदर्भ के कलाकारों के बारे में बात की, तो क्या आपके प्रोजेक्ट्स में कॉमन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? ये सब कॉमन लोग ही तो है मैक्सिमम, जिनको थोड़ी सी कला आती है, जिसको नहीं भी आती वो आए अपने जिनमें कुछ उम्मीद है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। विदर्भ के जितने भी कलाकार हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, हमारे टीम से किसी भी कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास आए और अपनी कला का प्रदर्शन करें, अपनी कला से जुड़ी हुई कुछ उनके पास में कोई सपोज क्लिप है चाहे वो व्हाट्सएप पे भेजे या हमको आकर के बताए। हमें किसी की कला पसंद आती है, किसी के बारे में कुछ, जो प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि स्क्रिप्ट होती है, कोई लेखक लिखता है और उससे रिलेटेड कोई हमको पसंद आ गई उसकी, तो उससे रिलेटेड उस सुटेबल जो लोग होते हैं जो सूट कर सकते हैं ऐसे जो कलाकार हैं उनको हम लेते हैं। तो बिंदास होइए, बिंदास हमको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पास आइए, ऑरेंज सिटी के पास आइए, अपनी कला के बारे में हमें बताइए, हम ज़रूर हर किसी को चांस देने की कोशिश करेंगे। विदर्भ के कलाकार को सबसे ज़्यादा हम चांस देना चाहते हैं, नागपुर हो विदर्भ हो, बहुत अच्छी सोच है। अगर कोई वक्त आए तो बाहर के भी लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन विदर्भ के लोग ज्यादातर मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, मुंबई के लोगों को बहुत प्लेटफॉर्म है। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। सर मैं डायरेक्टर शुभम सूर्यवंशी से बात करना चाहती हूँ और उनको पूछना चाहती हूँ कि इस गाने की शूटिंग आपने कहाँ हुई है और वहाँ शूटिंग होने की वजह क्या है? जो शूटिंग हुई है वो मेरे गांव में हुई, खुद के गांव में जहाँ मैं रहता था, वरुड़ में, मेरे नानी का गाँव है तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। मैंने वो लोकेशन इसलिए चूज़ की थी बिकॉज वहाँ पे एक ऐसा जोन है, मेरी वहाँ पे भी एक टीम है जो बोल सकते हो, जैसे मेरी नागपुर की एक टीम बोल सकते हो, अक्षय सर, ऋतिक सर, हमारे मेन प्रोड्यूसर सतीश सर, ये एक यहाँ की टीम होगी। बट इसके अलावा जो मेरी एक दूसरी टीम है जो बैकग्राउंड में काम करती वो है धीरज, कार्तिक, प्रवीण, इन लोगों ने भी काफ़ी मेरी मदद की। तो ये लोग कैसे यहाँ पे परमिशन वगैरह चीज़ों का काफ़ी इश्यूज होता है, बट गांव में ऐसा है कि परमिशन का कोई टेंशन नहीं होता है और क्राउड काफ़ी सपोर्टिव होता है। अगर तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ का भी अगर हेल्प चाहिए तो दे कैन प्रोवाइड यू एट द मोमेंट। सो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें रहेगी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने मेरा खुद का ही पर्सनली गांव चूज़ किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे कास्टिंग है
ये लोग काफी ज्यादा गांव से कनेक्टेड है, मतलब जैसे अगर मैंने साहिल की बात किया तो उसके जो लैंग्वेज है तो वहाँ के लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उज्ज्वल जो अभी अभी काफी ज्यादा इन चीजों में वायरल होना चालू हुआ है, उसका भी सेम है सर, वो भी गांव से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो कास्टिंग भी मैंने उसी तरीके से लिए। रोशनी वैसे तो दही वाली दिखती नहीं है चेहरे से, नॉर्मली अगर आप देखो जाए तो वो एक हाई क्लास एक्ट्रेस ही लग रही है, बट ठीक है, शी ऑल्सो वर्क फाइन इन दैट। सो उस हिसाब से मैंने कास्टिंग भी किया, तो दैट वाज द ओवरऑल सर्कमस्टेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हो जिसके बारे में आप बता सकते हो? श्योर, डेफिनेटली हम लोग जैसे सर ने आपको बताया कि हम लोग सॉन्ग और वेब सीरीज वगैरह कुछ प्लानिंग में है, जैसे ही कुछ पिच होता है तो ऑरेंज सिटी से आपको ऑडिशन के अपडेट्स आ जाएंगे उनके हमारे चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं, तो वहीं आपको अपडेट्स आ जाएगी कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज ग्रुप्स क्या रहेगी, बट अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर डेफिनेटली है। ऋतिक सर, आपने इस गाने में कोरियोग्राफी का काम किया है, और अभी थोड़ी देर पहले साहिल ने बताया कि आप उनको सिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले जब ऑडिशन हुआ था तो साहिल दादा आए थे, तो सबसे ज्यादा डर तो मुझे लगता था कि मैं उनको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो हम लोग सेट करते हैं वो प्रॉपर तरीके से कैमरे में भी दिखना चाहिए, उनके बॉडी पे भी सूट होना चाहिए जो बैकग्राउंड डांसर्स है। कभी कभी क्या हो जाता है एक्टर, मुझे ये डर था कि बैकग्राउंड डांसर्स जो थे जितने भी उसे प्रोफेशनल्स थे, तो उनसे कम साहिल दादा ना हो, जिस तरीके से मैंने कोरियोग्राफी की थी। बट सच कहना चाहूंगा कि इतने प्यारे स्टेप्स उनके ऊपर सूट हुए ना, जो एक स्टेप उसमें इस तरीके की स्टेप, इतने क्यूट एक्सप्रेशंस और बहुत ही प्यारा डांस सेट हुआ था, और उन्होंने हार्डली एक या डेढ़ घंटे में फुल डांस पूरा कवर कर लिया था। सर, आप साहिल को सिखाते टाइम पे क्या क्या परेशानी हुई, थोड़ा वो बताइए। परेशानी मीन्स परेशानी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो जोनर था उस टाइप में बहुत ही फनी, जैसे वो आए कभी स्टार्टिंग में लगता है कि मतलब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है तो उनके साथ में कैसे कर पाएंगे, बट एकदम फ्रेंडली वो जैसे आए, चलो भाऊ चालू करो, करते हैं, बोला अरे वाह ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। जैसे उनको स्टेप्स पढ़ाए तो तकलीफ ज्यादा कुछ भी नहीं हुई, उन्होंने जल्दी से कैच कर लिया। और कभी कभी क्या होता है ना, जब तक हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तब तो खुद से नहीं करते, हम लोग पढ़ा तो देते हैं बट प्रैक्टिस का मोमेंट्स हमको खुद से लेना पड़ता है, लेकिन उनका वैसा नहीं था। अगर मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर मुझे कुछ बात बाकी के काम है तो फुल प्रैक्टिस वो खुद ही करके रख देते थे, ताकि जब मैं आऊं था कि क्लीन स्टेप दिखे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। तो मैं डीओपी अक्षय से बात करना चाहती हूँ और उनको पूछना चाहती हूँ कि ये जो सॉन्ग शूट हुआ उसके टाइम कितने टेक हुए, स्पेशली साहिल और रोशनी को कितने टेक लेने पड़े? साहिल तसं एक किंवा दोन टेक मध्ये होऊन जात होतं त्याचं, रोशनी मॅडमचं तर काही प्रॉब्लेमच नव्हता, त्या वन टेक आर्टिस्ट आहे, चांगलं काम करतात। तसेच उज्ज्वल दादा बॅकग्राऊंड डान्सर, यांना सांगायची गरज नव्हती, पण काही मुवमेंट असे होते जसं मशी मस असतं ना तिची किस करायची आहे, त्या टेकला कमीत कमी त्याने 15-20 टेक घेतले, आणि इतकं परेशान होऊन जात होतो डायरेक्टर म्हणून चालेल, पण मला ते चालतच नव्हतं, आणि मी 15-20 टेक नंतर म्हणजे टेक घ्यावाच लागत होते। तो शॉर्ट असा आहे की कमीत कमी त्याला 20 टेक झाल्यानंतरही तो प्रॉपर आला नाही, असं माझं सॅटिस्फॅक्शन झालं नाही, डायरेक्टरचं झालं की माहित नाही, पण माझं सॅटिस्फॅक्शन त्यामध्ये झालेलं नाही। अभी थोडी देर पहिले आपने असं बॅकग्राऊंड में मुझे बताया की एक शूट के टाइम पे आपने किसी के ऊपर बैठ कर एक शूट ली है जो गोल गोल, उसके बारे में बताइए प्लीज। ऍक्च्युअली तो सीन असा होता की त्यामध्ये जे आमचं इक्विपमेंट होतं ते वेळेवर पोहोचलं नाही, तेव्हा आमचे कार्तिक दादा आहे स्टील फोटोग्राफर, त्यांनी मला खांद्यावर घेतला आणि तो शॉट आम्ही खांद्यावर बसून असं गोल राऊंड घेतलेला आहे, आणि तो शॉट छान पण आला आणि दिसायला पण छान वाटत होता। ती आमची खूप स्ट्रगल होती, कमीत कमी त्यांनी 15-20 टेक त्यामध्ये घुमत त्यांचा खांदा दुखून गेला, पण तो टेक आला प्रॉपर। मैं डायरेक्टर से बात करना चाहती हूँ, उनको पूछना चाहती हूँ कि ये जो सॉन्ग है दही वाली, इसमें ट्रेंडिंग में जैसे आइटम सॉन्ग रहते हैं उस हिसाब से नहीं है, काफी पुराने टाइप में फिर से वापस गए जैसे लग रहा है, ऐसा सॉन्ग क्यों चुना आपने? क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ नया लाना चाहते थे आउट ऑफ द बॉक्स, तो हम लोग हमारे पास में दही वाली करके सॉन्ग आया जो सांबा देवगढ़ सर ने बनाया था 20 साल पहले, ये अभी का सॉन्ग नहीं है, 20 साल पहले बनाया हुआ सॉन्ग है, बट हमने उसको वापस से दोबारा रिक्रिएट किया है रेक्स लैब स्टूडियो की मदद से, ऋतिक और हर्षल की मदद से हम लोगों ने उसको रिक्रिएट किया है। एंड अभी कैसा थोड़ा हम लोगों ने बहुत चीज़ ट्रेंड देखा, अच्छा रिमिक्स का काफ़ी ज़माना है, पुराने टाइप के सॉन्ग लेके नए वर्जन से बनाते, बाबा कौन के स्टाइल में हम लोगों ने भी वही कोशिश की कि पुराने पैटर्न्स को कुछ नई जान दी जाए, इसीलिए हम लोगों ने उस सॉन्ग को चूज़ किया दही वाली को, जो एक नए पैटर्न में हमने शो किया पर है बहुत पुराना गाना। तो ये थी दही वाली सॉन्ग की टीम, और आपसे बात करते हुए हमें अच्छा लगा, हम आशा करते हैं कि आपका ये सॉन्ग हिट हो और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े।